गाइस स्वागत है आपका अपने स्पैच चैनल फिर से एक बार, जिसका मैं विजू स्टॉक मार्केट हैंड्स भाई आज ड्रग्स के ऊपर फाइनली आपके लिए वीडियो लाया हूँ बहुत समय बाद। एंड गाइस जिनको बाईबैक में अप्लाई करना आती ड्रग्स के, उनके लिए वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, आप लोग के लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई, ठीक है। अभी तक आपको जो आती ड्रग्स का बाईबैक नहीं दिख रहा था, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके लिए जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो उसको जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका डाला हुआ है, सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा इसका लिंक, ठीक है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड फिलहाल बात करें भाई, तो डिक्सन एंड एयरटेल का जो भी डिसीजन था उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जिसको देखने का मन है भाई जगह चेकआउट कर सकते हैं गाइस। तो भाई देखो, सारे टेक्निकल्स के साथ बात करेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म टारगेट, लॉन्ग टर्म टारगेट, पोजिशनल टारगेट, जो भी रहेगा सीन आपको सब बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जो भी मैं अभी तक बोल के आ रखा हूँ पहले से, वही इस बार भी जो मैं बताने वाला हूँ आपको, तो कुछ ऐसा जो बहुत नया तो आपको वीडियो में नहीं मिलेगा, बट जो भी मिलेगा प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो चाहो तो इस पर फोकस भी कर सकते हो, चाहो तो उसको नेगलेक्ट भी कर सकते हो, वो आपके एक कॉल होगा भाई, ठीक है। तो फिलहाल बात करें भाई, फाइनली 700 से ऊपर हमें जो प्राइस दिख रहा है यहाँ पर आते ड्रग्स का काफ़ी समय बाद, तो बाई क्वांटिटी ऑलरेडी लग चुकी है यहाँ पर, 1700 लोग जो उठाने के लिए तैयार 712 के प्राइस पे। फिलहाल डिलीवरी की बात करें तो ठीक है, नॉर्मल से डिलीवरी है, बहुत ज़्यादा खास भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है, ठीक है। 32% 33% के आसपास डिलीवरी है, दैट इज़ ओके ओके, ठीक है। अभी फटाफट से चार्ट के ऊपर चलेंगे। तो उससे पहले भाई, एक चैनल आपके लिए मैंने बना रखा है जो कि पेड है, बट फिलहाल आप लोग के लिए फ्री है, तो ये अच्छी बात है आप लोग के लिए। तो फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं क्या आपको मिलता रहेगा, स्विंग कॉल, स्विंग कम पोजिशनल कॉल, शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल और BTST, न्यूज़ रिलेटेड जो भी रहती है चीज़ें, ठीक है। ये सब जो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, बाद में पेड कर जाएगा, फिलहाल जैसे मैंने बताया भाई फ्री है। एंड नो इंटरडे कॉल, ठीक है, इंटरडे कॉल यहाँ पे प्रेफर नहीं करता मैं, एंड आपको चाहिए इंटरडे कॉल भाई आप लोग इस ग्रुप को मत ज्वाइन करना, ठीक है। बट अगर स्विंग कॉल वगैरह चाहिए एंड सही में अपने वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हो, तो आपके लिए ग्रुप सबसे बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। तो प्रॉपर यहाँ पे स्विंग कॉल, पोजिशनल कॉल मिलती है, तो यहाँ पे बताया जाता है भाई इसके ऊपर बाई करना है, टारगेट ये है, SL ये है, सब कुछ दिया जाता है, ठीक है। तो ताकि आपका पैसा अगर डूब भी रहा है तो मिनिमम डूबे, और अगर कमा रहे हो तो अच्छा खासा कमा के जाओ, ठीक है। तो फटाफट ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है इसका। तो गाइस पहले जो है लॉन्ग टर्म टारगेट की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 850 से 1000 के बीच का, ठीक है। वही जो टिकट अपने दिया हुआ हमें जो गया भाई 856 का। एंड कहीं ना कहीं भाई मैं बहुत पहले से बोला हूँ भाई, 850 से 850 के लिए जो वेट कर रहा है वेट करते रहो, आपको ये लेवल ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। एंड अभी तो 1000 भी एक ऐड हो गया है, ठीक है। बहुत सारे जो बड़े बड़े दिग्गज सिक्योरिटीज इश्यूज वगैरह जो भी हैं, ठीक है, ये अपने ब्रोकर्स वगैरह, उनने जो है 1000 तक के टारगेट दिए हैं, फाइनली 900 तक के दिए दे रहे हैं, और जो भी है मतलब मिनिमम जो है भाई 850 का टारगेट तो हर कोई दे रहा है आजकल, ठीक है। तो इतना तो आप मान के चल सकते हैं लॉन्ग टर्म में जो आपको 850 का टारगेट मिल जाएगा। अभी ये लॉन्ग टर्म कितना लॉन्ग टर्म, तो मिनिमम मान के चलो एक साल तो मिनिमम, ठीक है। एक साल में जो ये 2022 के लिए ये प्रोडिक्शन जो है ना 856 से 1000 वाली, तो ये 2022 के लिए एक्चुअली प्रोडिक्शन है। एंड कई लोग भाई 1200 का भी टारगेट दे रहे हैं, ठीक है, आप चाहो तो भाई उसके लिए भी देख सकते हैं चीज़ों को। बट मैं जो आपको लास्ट टारगेट दूंगा भाई, यही दूंगा भाई 1000 से ऊपर जाता तो ज़्यादा लालच मत करना, एंड यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है, शॉर्ट टर्म वाले। अगर आप जो है बहुत मतलब लॉन्ग टर्म वाले, इन द सेंस मतलब वही 5-10 साल वाले हो, तो भाई आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, अच्छा स्टॉक है, फ्यूचर मूव आपको देने की गुंजाइश है, एंड काफ़ी ऊपर भी जा सकता है, हो सकता है कल को स्प्लिट हो जाए, हो सकता है कल को बोनस मिल जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो स्टॉक अच्छा है, आप लोग के लिए होल्ड करना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, ठीक है। काम मैंने ऑलरेडी बता रखा है, क्या करता है वही जो दवाई में जो मेन चीज़ें बनती हैं, छोटी छोटी जो चीज़ होती है API वगैरह, वो ही सब जो है डेवलप करता है। एंड अभी कोविड दोबारा से फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं दवाई की फिर से जरूरत पड़ने वाली है, तो कहीं ना कहीं इसको ऑटोमेटिकली फायदा यहाँ से देखने को मिलेगा भी कुछ महीनों के अंदर ही, ठीक है। तो हो सकता है अब इसकी सेल्स में भी जो है सुधार आ जाए, एंड इसके नंबर्स भी अच्छे आ जाए, तो तब जो है शायद अप मूव एक मिले हमें। एंड चलो अब आगे चलते हैं शॉर्ट टर्म वाले या पोजीशन वालों पे। तो गाइस यहाँ पे मैंने 1D का पैटर्न खोल रखा है आर्थर ड्रग्स का, ठीक है। तो फिलहाल अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो काफ़ी समय से वही एक बाउंड रेंज में जो कंसोलिडेट कर रहा है कि प्राइस पे यहाँ से जो है देखा जाए अगर, तो यही एक लेवल दे रहा है बार बार। यहाँ पे भी देखोगे अगर आप, तो ये दे रहा है 712 से लेके ये वाला रेंज है 694 का, बार बार यहीं पे जो हमें ये देखते हुए मिल रहा है, स्ट्रक होते हुए मिल रहा है। पहले जो है यहाँ पे आया था, यहाँ पे जो स्ट्रक हुआ था, फिर एक बाउंस आया, अभी यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रक हो गया, तो सीढ़ियों की तरह चल रहा है ऊपर ऐसा स्मॉल स्मॉल। तो इसमें ना पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा भाई, पेशेंस गेम हो जाएगा आर्थरिक्स पूरा पूरा, ठीक है। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि भाई देखो यहाँ पे मैग्डी ने फाइनली जो है नीचे क्रॉसओवर दे दिया था, तो जो सेल करके निकल गया उसको अच्छी बात है। एंड यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ से दोबारा जो है यहाँ पे ब्लैक लाइन से क्रॉस कर जाए, तो एक फिर से बाई सिग्नल जनरेट हो जाए, मे बी पॉसिबल। बट नेगेटिव जो है हिस्टोग्राम बनना जनरेट हो चुका है, जो कि क्लियरली ये चीज़ तो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि गिरावट आएगी मार्केट में, ठीक है, ये चीज़ ना क्लियरली पता चल जाती है। एंड मैंने यहीं पे बोल दिया था
जब ये यहाँ पे पहुँचता तो यहीं पे मैंने खरीदने को बोल दिया था, एंड जब ये हाई पे गया था तो मैंने यहीं पे बोल दिया था कि भाई सेल आउट कर दो। भले ही वहाँ पे मैकडे ने क्रॉसओवर नहीं दिया था, बट फाइनली अब दिया है, तो खैर अभी भी जिसने बेचा होगा यहाँ पे वो भी अभी भी फ़ायदे में ही होगा खैर यहाँ पे खरीद के, बट स्टिल मैंने काफ़ी लोगों को यहीं पे प्रॉफिट बुक करवा दिया है। मेरे पास भी जो है भाई जितने भी मैंने शेयर ले रखे थे उसका 50% मैं भी अपना जो है बुक कर चुका था ऑलरेडी, ठीक है, एंड 50% मैंने लॉन्ग रन के लिए छोड़ा है, जो कि मैंने आपको टारगेट दे भी दिया 800 से 850 से 1000 के बीच में जब भी आता है मैं उसको सेल आउट कर दूंगा, चाहे फिर वो कब भी आए, ठीक है, कभी भी आए 800 से 1000 वाला रेंज मैं उसमें सेल आउट करूंगा। कब करूंगा क्या करूंगा वो तो टेलीग्राम पे अपडेट कर ही दूंगा लाइव, ठीक है, अगर कोई और सिचुएशन बैठी होगी तो वो भी बता दूंगा। फिलहाल जो है बायबैक का भी सीन चल रहा है, तो अभी भाई आगे देखते हैं इसमें हो क्या सकती हैं चीज़ें, ठीक है। फिलहाल जो भाई इसको ब्रेक करना है एक्चुअल में वो ये वाला लेवल रहेगा एक्चुअल में, दैट विल बी जस्ट अ सेकेंड गिव मी अ मिनट, जो कि रहेगा एक्चुअल में ये वाला, जो कि एक्चुअली 10-day EMA भी अगर आप ध्यान से उसको चेक करेंगे तो ये रहेगा गाइज आपका लेवल, दिस विल बी 710, ठीक है। तो मुझे पता है ये 712 पे है, ठीक है, मैं अच्छे से जानता हूँ भाई कि 712 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, बट मेन बात ये है कि 710 को उसको सस्टेन करना चाहिए, ठीक है। अगर सस्टेन नहीं कर पाता हो सकता है यहाँ पे कल जो है गिरावट हो जाए एंड यहाँ पे फिर जो है लाल कैंडल बन जाए, फिर लाल कैंडल फिर ऑटोमेटिकली नीचे जा रहा है, तो 710 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 710 को सस्टेन करता है तभी इसमें जो ऊपर जाने की गुंजाइश बचती है, वरना यहाँ पे फिर से जो है हमारी वाट लग सकती है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म वाली की बात कर रहा हूँ, तो जो इसमें स्विंग कर रहा है भाई आप लोग बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड मत करो आधी रग्स में, अभी भी मौका है, अगर फायदे में हो तो निकल जाओ, अगर स्टॉप लॉस लेना है तो एक स्टॉप लॉस लेके जो है निकल जाना, कोशिश करना भाई निकलने की, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको दे देता हूँ मैं, आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा गाइस वही वाला रहेगा, दैट विल बी दिस वन 692, ठीक है। तो 692 के नीचे अगर क्लोज होता है तो भाई समझना आप पे गिरावट आई, तो आप प्लीज़ इस स्टॉप लॉस को लेके जो है निकल जाओ स्विंग ट्रेड वाले। एंड जो भाई पोजिशनल वाले हैं, पोजिशनल गाइज आप लोग होल्ड करिए बिंदास, ठीक है। आपको जो है पहला टारगेट ये वाला मिलेगा जो ही रहेगा 745 का, तो जैसे 745 ब्रेक होता है जो कि हो जाएगा मेरे पे भरोसा रखो, ठीक है। देखो ये ना चलता है ऐसा स्टॉक यार, इसका ना बहुत बहुत पेशेंस आपको चाहिए। पहले दो क्या गिरावट आई थी, बहुत बड़ी गिरावट आई थी, फिर उसके बाद पॉजिटिविटी आई, अब वही गिरावट चल रही है, फिर दोबारा पॉजिटिविटी आ जाएगी, फिर दोबारा गिरावट आई, ये स्टॉक चली है सर, है एक फेज में चलता है, ये देख सकते हो भाई वही एक ही पैटर्न फॉलो करता है, यहाँ से नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, यहाँ पे बीच में ऊपर भी गया था, फिर नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, तो ऐसे ये स्टेप वाइज ले रहा है, तो आपको इसमें जो है होल्ड करके रखना चाहिए। एंड भाई देखो पहला टारगेट जो है 745 का मैं दे रहा हूँ आपको, जो पोजीशन लेना है मतलब कि आप 3-4 महीने तो होल्ड कर ही सकते हैं मिनिमम, ठीक है। तो आप लोग के लिए 750 तक का लेवल आराम से आपको मिलेगा, एक ना एक बार तो मिलेगा, ठीक है। हो सकता है अभी 2 हफ्ते में आ जाए, 1 हफ्ते में आ जाए 750 का लेवल, आई डोंट नो, बट मेरे को पता है ये आएगा, ठीक है। 750 का लेवल तो गारंटी आएगा। आप लोग किस लेवल पे फंस रखे हैं मुझे अच्छे से मालूम हो चुका है, फिर भी जो है आप लोग कमेंट कर सकते हैं नीचे की भाई मैं इस लेवल पे फंस रखा हूँ तो शायद मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ आपको, जितना मैं कमेंट का रिप्लाई कर पाता हूँ मैं कर ही देता हूँ ऑटोमेटली, बट जो भी है ठीक है 750 का लेवल आएगा, एंड जैसे ही 750 का लेवल टूटेगा उसके बाद भाई इसको ये लेवल ब्रेक करना है एक्चुअली में, दैट विल बी दिस वन, एक्चुअली पुराना रेजिस्टेंस है जहाँ से एक्चुअली वापस आया, ये देखो आप, ठीक है। तो ये है एक्चुअली में 788, आप मान के चल सकते हैं 788 या फिर 790 एक तरह से आप ले सकते हैं, जब तक 790 जो है ब्रेक नहीं करता तो आप जो 788 का अगला वेट कर सकते हैं, ठीक है। 745 के बाद 780 एकदम से आ जाएगा, तो जैसे ये 788 790 का लेवल आएगा तो इसको जैसे ही ब्रेक करेगा, पोजिशनल गाइस के लिए मैं बता रहा हूँ, स्विंग के लिए नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी नहीं सेल आउट करना है, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट में रहोगे एंड 5-10% आपको मिल रहा होगा आराम से, एंड आप निकलना चाहते हैं स्टॉक से काफी समय तक, तो प्लीज 788 पे जो है या 780 तक जो है एग्जिट कर देना प्लीज, ठीक है। अगर आप लोग मेरी तरह जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो गाइस आपका ये लेवल कहीं नहीं गया, जो कि मैं ऑलरेडी बहुत समय से आपको दे रहा हूँ, जो कि है आपका ये, दैट इज 850, ठीक है। 848 आप मान सकते हैं इसको, बट जो भी है ठीक है, ये वाला लेवल, ये पुराने लेवल्स हैं एक्चुअली, यहाँ पे देखोगे अगर आप तो ये वाला लेवल है, ये लेट मी क्लियर यू द पिक्चर, दैट इज 872 यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल आप मोटा मोटा मान के चलो 850, ठीक है। तो 850 का लेवल तो एक बार आएगा, एंड मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लिए बुलिश हूँ कि हमारे 850 बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, 850 एंड आएगा, देख लेना आप आएगा। और मैं पर्सनली 850 पे जो है अपना जितना 50% मैंने रखा था, मैंने बोल दिया ना 50% बुक कर लिया, तो 50 में से भी 25% मैं 850 बुक कर लूँगा, एंड फिर जो है मैं रिस्क लूँगा सिर्फ 25% जितना मेरे पास बचेगा आते रिस्क, और वो रखूँगा मैं भाई लॉन्ग टर्म के लिए एज अ 1000
हज़ार जब तक नहीं आ जाता, ठीक है। मेरे को पता है 1000 का टारगेट भी आएगा एक ना एक बार, बट उसके लिए थोड़ा यहाँ पे हो सकता है 1.5-2 साल यहाँ पे लग जाए, मे बी पॉसिबल, ठीक है। तो ये है पूरा ओवरऑल क्लियर पिक्चर, मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझा दिया आपको सब कुछ, ठीक है भाई, कि ये लेवल आ सकते हैं, वो लेवल आ सकते हैं। एंड नीचे की अगर बात करें, हाँ भाई नीचे की तो बात ही नहीं करी, हमने सिर्फ टारगेट की बात करी है, ठीक है। तो इस देखो नीचे को जो सबसे पहला जो यहाँ पे सपोर्ट बनेगा गाइज, वो ये वाला रहेगा जो कि एक्चुअल में 680 का सपोर्ट है, ठीक है। तो 680 का सपोर्ट अगर पकड़ता है तो अच्छी बात है, आप 680 पे चाहो तो थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं जो करना चाहते हैं, ठीक है। 680 पे आप जो पहला एवरेज आउट कर सकते हैं, एंड उसके बाद कोई अगर आपको एवरेज करने का मौका मिले तो आप जो यहाँ पे 200 EMA पे एवरेज कर सकते हैं, जो कि रहेगा 655 का लेवल, ठीक है। 655 के लेवल पे आप जो एवरेज कर सकते हैं, एंड जो लास्ट गिरावट आ सकती है जिसको मैं बोलूँगा मैक्सिमम, अगर आप सोच रहे हैं कि कोई गिरावट आएगी तो ये वाली आएगी, उससे नीचे नहीं जाएगा ये स्टॉक, जो कि 625 का जहाँ की है पहले भी आया था, ठीक है। तो जिससे 625 पे एवरेज किया होगा भाई कांग्रेट्स, या फिर फ्रेश एंट्री करी होगी तो कांग्रेट्स भाई, आप लोग जो है फायदे में है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो जो लास्ट लेवल रहेगा वो 625 आएगा, उसके ऊपर का लेवल मैंने आपको सारे नोट करवा दिया, 3 लेवल, ठीक है। तो उसके नीचे स्टॉक नहीं जाएगा फिलहाल, तो ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है दिखता हुआ, ठीक है। तो चलो अब रोकते हैं वीडियो कहीं पे, तब तक के लिए बाय बाय, होस्ट संदूक सोनाली विशाल सुशील, बाय बाय, टाटा।